परिस्थितियों में तीन व्यक्तियों की मौत, कंबल फैक्ट्री में तीनों की मौत, ग्रामीणों में रोष, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस, कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं, पानीपत से तस्वीरें सामने आई हैं। तो मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस, पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में तीन व्यक्तियों की मौत, कंबल फैक्ट्री में तीनों की मौत हुई है, ग्रामीणों में भारी रोष, तो परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तेजा फैक्ट्री के अंदर तीन व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसको लेकर तमाम परिजन, पुलिस प्रशासन सामान्य हॉस्पिटल में जुटा है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से उनको मारा गया या वो खुद टैंक में, ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कुछ परिजन भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयूर है जी। ये क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है, ये डेली अपने काम के लिए उस फैक्ट्री में जाते थे 8 बजे, और 8 बजे से 11-12 बजे तक ये काम करके अपने घर आ जाते थे। 12 बजे तक तब जब ये नहीं आए, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो हमने इनकी तलाश शुरू करी। हमने टोया, हाँ भाई, ट्रैक्टर रोड पे भी कहीं नहीं मिले। ना मिलने के कारण हम फैक्ट्री पहुँचे 3:30-4 बजे सवेरे। वहाँ जाने के बाद गेट खुलवा तो गेट मैन भी मतलब गेट खोलने से मना कर गया, अखा यहाँ नहीं आए, यहाँ से जाओ। कहाँ, कौन से गांव में है ये सुनो, लीकेर कुराड़ के बीच में फैक्ट्री है जी, ये होटल है, कौन सा जय फूड होटल है, उसके सामने है। कौन सी फैक्ट्री है ये? गुरेजा फैक्ट्री है जी। इनके जो ये एक्सपायर हुए हैं, जो वो उनका कौन सा गांव? उनका रसलापुर गांव है जी। आप क्या लगते? मैं उसका एक का भाई हूँ, एक का चाचा हूँ। क्या नाम है इनका? एक का नाम कुर्बान है, एक का नाम इस्लाम है। और ये फैक्ट्री मालिक के साजिश के तहत काम हुआ है, जो कि मैं ये चाहूँ अखा पुलिस प्रशासन हाईवे के कैमरे चेक करे जाए, पेट्रोल पंप के कैमरे चेक करे जाए, और फैक्ट्री के कैमरे फैक्ट्री मालिक ने वो तड़वा करके अपना DVDR वगैरह वो सारी चीज वहां से तोड़ फोड़। अब आप लोगों की क्या मांगे? ASP मयंक मिश्रा भी यहां पर पहुंचे हैं, तो आप लोगों की क्या मांगे इस मामले में? जैसे शव जो है, हमारी ये मांग है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ 3-3 मर्डरों का केस पर्चा दर्ज कराया जाए, और हमारे को इंसाफ मिले, ताकि दोबारा ये मालिक ऐसी घटना ना घट सके। जो कि मेरा भतीजा 25 साल का, मेरा भाई 35-37 साल का, जवान बच्चे, ऐसे ऐसे दर्दनाक मौत, तीन घटना हुई है। ये एक तीन और भी बताया जा रहा है, एक यूपी का है, उसका मन नहीं पता, अखवा नाम का तो पता लग गया, हाँ भाई सुरेश है, उसका मन ये नहीं पता, हाँ भाई कहाँ का है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी। फिलहाल आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसमें इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसकी फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी हो, और गार्ड को भी पुलिस अपने कब्जे में ले, और सख्ताई से उससे पूछताछ करे, और हमारा खुलासा हो जाए, अखा भाई हमारे बच्चों को कैसे मारा है। देखिए, सीधी सी बात है, परिजनों का ये कहना है कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से तीनों की मौत हुई है, तीनों व्यक्ति मजदूरी करते थे, अपना पालन पोषण करते थे, वहीं उनके परिजन खड़े हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को ये खुलासा करना पड़ेगा कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई, और इस मामले में मकान मालिक, जो फैक्ट्री मालिक है, उसके साथ साथ जो है, जो वहाँ पर गार्ड है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और शव जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल के शव गृह में आ चुके हैं, वहीं परिजनों की यही डिमांड है। अब देखना यह है, इसको लेकर जो है ASP मयंक मिश्रा भी पहुंचे हैं, इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।